लोकतंत्र के महापर्व पर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं सहित प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, पूर्व मंत्री शहर पश्चिमी विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह, सांसद रीता बहुगुणा जोशी एवं केशरी देवी पटेल, महानगर अध्यक्ष राजेंद्र मिश्र, महापौर गणेश केशरवानी ने अपने अपने केंद्रों पर पूरे परिवार के साथ मतदान किया। इस मौके पर पार्टी दिग्गजों ने कहा कि देश व प्रदेश की जनता नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प ले चुकी है और छठवें चरण तक इंडी गठबंधन चारों खाने चित हो चुका है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ज्वाला देवी इंटर कॉलेज, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने श्री ठाकुर दीन जूनियर बालिका स्कूल, महापौर गणेश केसरवानी ने केएन काजू इंटर कॉलेज, महानगर अध्यक्ष राजेंद्र मिश्र ने विकास विद्यालय, विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने सेवा समिति इंटर कॉलेज, सांसद केशरी देवी पटेल ने मैरी लूकस इंटर कॉलेज, सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने बीएचएस स्कूल में, इलाहाबाद लोकसभा सीट से प्रत्याशी नीरज त्रिपाठी ने गर्ल्स हाई स्कूल व फूलपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी प्रवीण पटेल ने अपने पूरे परिवार के साथ प्राइमरी विद्यालय अंदावा में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि छठवें चरण में भाजपा एकतरफा जीत रही है। विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा विपक्ष चार हार का चौका लगा चुका है। 2014, 2019, 2017, 2022 में विपक्ष हार चुका है। अब देखना कि इस बार 4 जून को हारने के बाद वे क्या कहते हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि दो लड़कों की जोड़ी 2017 में चारों खाने चित हो गई थी यूपी में और इस बार तो इनका खाता भी नहीं खुलना है। मतदाताओं में उत्साह है। मीडिया सहित सभी ने मतदान जागरूकता को लेकर अच्छी भूमिका निभाई है। छठे चरण में पांचवें चरण से अच्छा प्रतिशत होगा मतदान का। राजा भैया के सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि किसी की वजह से कोई नुकसान नहीं है, भाजपा जीत रही है। मेरे परिवार के फूलपुर लोकसभा के उत्तरी विधानसभा में 5 मतदाता हैं। मैं, मेरी पत्नी, मेरे दोनों पुत्र और मेरी पुत्र वधु, और सभी 5 लोग आकर के मतदान किए हैं। और जिन लोगों ने अभी मतदान नहीं किया उनसे सबसे अपील करते हैं कि लोकतंत्र के महापर्वों में अपने मताधिकार का प्रयोग करें और मजबूत भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए घर से निकलें। गर्मी जरूर है लेकिन इस गर्मी से घबराना नहीं है और अपने मताधिकार का सब लोग प्रयोग करें। 14 सीटों पे आज मतदान हो रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, हम 14 सीटें, सभी सीटें जीत रहे। चार हार का चौका लगा चुके हैं, 2014, 2017, 2019, 2022, अब 24 में भी हार जाएंगे तो वो 4 जून को क्या बयान देते हैं उसका इंतजार करिए, क्योंकि वह दो लड़कों की जोड़ी केशव प्रसाद ने भी और उत्तर प्रदेश ने भी 2017 में देखी थी, जब चारों खाने, ये दोनों जोड़ी जो आज घूम रही है, चित हो गई थी। इस बार तो खाता भी नहीं खुलना है जोड़ी का। नहीं, छठे चरण में हम लोग एकतरफा सफलता की ओर बढ़ रहे हैं और आज गर्मी के बावजूद जो मतदाताओं का उत्साह है, विशेष तौर से शहर उत्तरी में, फूलपुर लोकसभा में, अन्य बार जितने भी मतदान हुए हैं, चाहे 2019 का हो, चाहे 2022 का हो, आज उत्साह ज्यादा दिखाई दे रहा, मैं बहुत संतुष्ट। दोनों सीटों पे मतदान प्रतिशत बहुत कम हो रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, मतदान अच्छा हो रहा है और अच्छा होगा, क्योंकि हमारे शहर के मतदाता है, सब जानते हैं, सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक वोट डालना है, तो लोग पूरी तरह से तैयार हैं और बहुत व्यापक संपर्क किया गया है। चुनाव आयोग ने भी मतदाताओं को जागरूक करने का काम किया है और आप सब मीडिया के मित्रों ने भी बहुत अच्छी भूमिका अदा की है और मुझे पूरा विश्वास है कि आज मतदान का प्रतिशत पांचवें चरण से अच्छा रहेगा, छठवें चरण में, और छठवें चरण से भी अच्छा रहेगा सातवें चरण। राजा भैया की नाराजगी, कुछ नुकसान कहीं? कोई नुकसान नहीं है, भाजपा का कमल खिल रहा है। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि आज देश में जो माहौल है उससे विपक्ष अपनी हार पहले ही मान चुका है। अखिलेश यादव के घोषणा पत्र पर कटाक्ष करते हुए नंदी ने कहा कि उनका घोषणा पत्र वैसा ही है जैसे मुर्गा ये दावा करे कि वह अंडा देगा, बैल दावा करे कि वह दूध देगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास और विरासत को सहेजने संवारने का काम किया है, सैन्य शक्ति ऐसी है कि कोई यदि हमला करता है तो उसे घुसकर मारने का काम करते हैं। आज देश विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। देश की जनता इसी पक्ष में उत्साह के साथ मतदान कर रही है। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि 4 जून को पूरे देश में दिवाली मनेगी। इलाहाबाद और फूलपुर सीट पर भाजपा जीत रही है। लोकतंत्र का महापर्व है और इस महापर्व में मैं भी
उसमें हिस्सा ले रहा हूं। ये मेरी खुशी की है, मैं अपने परिवार के साथ आया हूं। और मैं इतना ही कहूंगा, जो लोग वोट डाल चुके हैं और युवाओं को भी देख रहा हूं मैं, इसका मतलब फर्स्ट टाइम वोटर्स भी आ रहे हैं यहां पर, और जो लोग घर पे हैं उनको भी ये कहूंगा कि घर पे ना बैठें, आप लोग भी सब लोग निकलें, अपने दोस्तों को लेकर आएं और अपना वोट डालें और इस लोकतंत्र को और मजबूत करें, और जो भारत को 2047 तक विकसित भारत बना सकता है, उस पार्टी और उस नेता को चुने। कितना सीट पार है, 400 पार है कि नहीं? देखिए, पांचवें फेज के बाद हम और एनडीए कंफर्टेबल जोन में घुस चले गए, छठे और सातवें में 370 और 400 पार भी पूरा करने जा रहे हैं। जो जोड़ी है वो लगातार ये कह रही है कि इंडिया गठबंधन में सरकार बन रही है। अरे, ये दो लड़कों की जोड़ी एक दफे पिट गई, अब आदमी एक दफे पिटने के बाद बोलता है नहीं आएंगे, मैं फिर आ गए। वो तो शौक है किसी को बार बार पिटने का, तो वो पिटने आ गए हैं लोकतंत्र में जो चुनाव के माध्यम से। और हमें कोई फर्क नहीं, हमें खुशी होती है चुनाव में उनको पीटने में। अच्छा, अखिलेश ने नए प्रत्याशी, अखिलेश ने कहा है कि 400 बार जो सीटें हैं वो भाजपा को मिलेगी, लेकिन जो है 400 जो है वो अखिलेश, मैंने सुना है वो 400 पार 400 हार कर रहे हैं। कभी कभी अखिलेश की बड़ी प्रॉब्लम रही है, अखिलेश जी अपने को अपना आईना देखते हैं और उस आईने में उनको जो दिखता है वो बोल देते हैं। उनको अपने आने में दिखा, अपना चेहरा दिखा और 400 हार दिखा, वो कहते हैं 400 हार। 4 जून को क्या होगा? 4 जून को मिठाई खिलाएंगे आपको हम लोग, और प्रयागराज में ही नहीं पूरे देश में दिवाली मनेगी। 4 दोनों प्रत्याशी नए उतरे हैं, क्या दिक्कत हो रही है क्या? हमें कोई दिक्कत नहीं है, एक दोनों प्रत्याशी जो है, एक तो मेरे साथ असेंबली में है, विधायक है, बहुत अच्छे कैंडिडेट है हमारे। दूसरे जो नीरज त्रिपाठी है, बहुत अच्छे एडवोकेट के साथ साथ एक केसीनाथ त्रिपाठी, जिनका बहुत सम्मान है प्रयागराज में नहीं पूरे देश में, उनके बेटे हैं, सुपुत्र हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही। मैं पिछले 7-8 दिन से हर जगह घूम भी रहा हूं, मुझे दिख रहा है कि दोनों सीटों पे फिर से कमल खिलने वाला है। महानगर अध्यक्ष राजेंद्र मिश्र ने कहा कि राष्ट्रहित व देश हित के लिए भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, अराजकता, हिंसा को दूर करने के लिए देश प्रदेश में विकास और जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसके लिए जनता ने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया है। लोगों ने उत्साह के साथ मतदान किया है। जिले की दोनों सीटें भाजपा की झोली में जा रही है। फूलपुर लोकसभा चुनाव संचालन समिति मीडिया प्रबंधन प्रभारी प्रवक्ता महानगर विवेक मिश्र ने बताया कि इलाहाबाद लोकसभा सीट के लिए 1812 पोलिंग एजेंटों जबकि फूलपुर लोकसभा सीट के लिए 2068 पोलिंग एजेंटों को तैनात किया गया था। वृद्धों एवं दिव्यांगों के मदद के लिए प्रत्येक बूथ पर पार्टी कार्यकर्ताओं की टीम बनाई गई, साथ ही उनके लिए ई रिक्शा इत्यादि की व्यवस्था की गई थी। मतदाता पर्ची के लिए मोबाइल लैपटॉप की व्यवस्था की गई। महानगर अध्यक्ष राजेंद्र मिश्र, गंगापा जिलाध्यक्ष कविता पटेल अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमण कर हर स्थिति पर नजर रखे हुए हैं।